बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू क्लास फोर। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर टू। इन लास्ट लेक्चर वी हैव रेड अबाउट द प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ पाकिस्तान। अवर प्रोविंस नंबर वन पंजाब। टुडे वी विल कंटिन्यू सिंध। द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ सिंध इज़ कराची। पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? कराची है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो लार्जेस्ट, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है। सिंधी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिस प्रोविंस। इसकी जो लैंग्वेज है वो सिंधी है, यहाँ पे ज़्यादा लोग सिंधी बोलते हैं। द लैंडस्केप ऑफ सिंध कंसिस्ट ऑफ लोअर इंडस प्लान, द थर डेजर्ट एंड द इंडस डेल्टा। जो यहाँ की सरजमीन है सिंध की, वो लोअर इंडस प्लेन है वहाँ पे, ठीक है, थर है, डेजर्ट सहरा जो है वो सहरा थर है। इसके अलावा इंडस डेल्टा है। इंडस डेल्टा मीन के जहाँ पे आके दरिया जो हैं या जो हैं इंडस रिवर है वो समंदर में गिरता है, ठीक है। द इंडस डेल्टा टू द साउथ ऑफ कराची फ्लोज इन टू अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में गिरते हैं सारे समंदर जो हैं। द कोस्ट लाइन विद सैंडी बीच लिटल बेस एंड इनलेट्स इज़ अ पॉपुलर प्लेस फॉर रिलैक्सिंग। यहाँ पे जो है समंदर के किनारे, वहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए, अपने माइंड्स को रिलैक्स करने के लिए। ट्रीज़ लाइक किकर, मलबरी एंड शीशम ग्रो इन सिंध। यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो किकर है, मलबरी है और शीशम है। देयर आर आल्सो सम कोस्टल फॉरेस्ट कॉल्ड मैंग्रोव्स विच आर रिच इन मैरीन लाइफ, ठीक है, मैरीन लाइफ। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मैंग्रोव है। सिंध हैज़ द लार्जेस्ट मैंगो एंड बनाना फार्म्स इन पाकिस्तान। सिंध में बनानास और मैंगोस के जो हैं वो बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। इट ग्रोज वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। पंजाब की तरह यहाँ पर भी वीट भी है, राइस, कॉटन और शुगर केन। बिरयानी, पोला फिश एंड भजी आर द ट्रेडिशनल डिशेज ऑफ सिंध। जो बिरयानी है वो सिंध की स्पेशल डिश है, ठीक है। द मेजोलियम ऑफ कायदे आज़म इज़ इन कराची। कायद आज़म का मज़ार कराची में मौजूद है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग आते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ आल्सो इन सिंध। जो मोहनजोदाड़ो है, जो फर्स्ट सिविलाइज्ड सिटी था, ठीक है, सिविलाइजेशन थी फर्स्ट, वो सिंध में मौजूद है। द ट्रेडिशनल डांस आर होज मालो एंड झुमरू एंड द ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ मलाखड़ा, ठीक है। यहाँ की जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वो मलाखड़ा है। इसके अलावा डांसेस जो हैं वो होज मालो और झुमरू यहाँ के स्पेशल जो हैं फोक डांसेस हैं। द श्राइन्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भटाई एंड लाल शहबाज कलंदर एंड अब्दुल्ला शाह गाजी होल्ड ह्यूज इम्पोर्टेंस फॉर द पीपल। यहाँ पे लोगों के लिए जो हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, शहबाज कलंदर और इनके जो शराइंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोग स्पेशली यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इस मैप में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे सिंध के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं, वो इस मैप में आपको दिखाए गए हैं। साथ में आपको की दी गई है, ठीक है, नंबर वन कौन सी जगह है और नंबर टू, नंबर थ्री नंबरिंग के साथ अगर आप देखें तो ये आपको इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हैं या फेमस प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पर गिवन है। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। बलूचिस्तान, अवर थर्ड प्रोविंस इज बलूचिस्तान। द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज़ क्वेटा विच इज़ आल्सो इट्स लार्जेस्ट सिटी। बलूचिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो क्वेटा है। इट हैज़ एन एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, देयर इज़ वेरी लिटल वेजिटेशन। बलूचिस्तान में बारिशें कम होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। क्रॉप्स यानी यहाँ पे नहीं उस तरह से ग्रो करती जिस तरह पंजाब में और सिंध में होती हैं। हाउएवर फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीच, ग्रेप्स, चेरी, आलमंड्स, पोमीग्रेनेट एंड प्लम्स ग्रो वेरी वेल इन सम एरियाज। जूनिपर, अल्पाइन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट ग्रो हेयर, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं और इसके अलावा फ्रूट्स के जो हैं वो दरख्त यहाँ पे हैं, जैसे कि आप देख लें, एप्पल है, सेब है, ठीक है, आड़ू हैं, अंगूर है, चेरी है, बादाम है, अनार हैं, आलूबुखारे हैं। तो ये दरख्त जो है यहाँ पे कसरत से मौजूद हैं।
इट हैज़ वेरी वास्ट नेचुरली रिसोर्सेज स्पेशली नेचुरल गैस विच इज़ सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप की जो सुई गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो बलूचिस्तान में से निकाली गई, ठीक है, ज़मीन के नीचे से निकाली गई और बाकी एरियाज़ को पहुँचाएगी। द न्यूली डेवलप्ड ग्वादर पोर्ट विच इज़ सिग्निफिकेंट पोर्ट ऑफ चाइना, पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ इन द साउथ ऑफ बलोचिस्तान। जो ग्वादर पोर्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो भी बलोचिस्तान में है। कायद आज़म स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन हिज रेजिडेंस इन ज़ियारत। कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे वो भी बलोचिस्तान में स्पेंड किए, ठीक है, ज़ियारत के मकाम पर। द श्राइन ऑफ बाबा खरवारी इज़ आल्सो इन ज़ियारत। द पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बलोची, पश्तो, ब्राहवी एंड पर्शियन। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं वो बोलते हैं। देयर ट्रेडिशनल क्यूसाइन इज़ सज्जी, ठीक है, इनका जो स्पेशल फूड है या ट्रेडिशनल फूड है वो कौन सा है, सज्जी है। द सिब्बी मेला अ लाइव स्टॉक फेयर इज़ हेल्ड ईच ईयर इन सिब्बी। सिब्बी में एक लाइव स्टॉक मेला जो है वो लगता है, ठीक है, लाइव स्टॉक आप कह सकते हैं फार्म्स वगैरह जो होते हैं एनिमल्स वगैरह के, वो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान विजिट दिस फेयर, जहाँ पर इस मेले को देखने के लिए बहुत से जो हैं वो लोग आते हैं। द ट्रेडिशनल डांसेस आर छाप, लेवा एंड झूमर। यहाँ के जो ट्रेडिशनल डांसेस हैं वो कौन से हैं, छाप है, लेवा है और झूमर है। द ट्रेडिशनल स्पोर्ट आर चौक जी एंड हॉर्स रेसिंग। द मैन वेयर लूज कमीज एंड बगी शलवार्स, ठीक है, विथ टर्बन्स एंड वाइल द वुमेन वियर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक टाइप शर्ट्स, शलवार एंड चादर्स। तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बलोचिस्तान के बारे में। इसी तरह पहले प्रोविंसेस की तरह यहाँ पे भी आपको इस मैप में बलोचिस्तान के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो दिखाई गई हैं। अवर नेक्स्ट इज़ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तीसरे नंबर पे जो पॉपुलेटेड एरिया है पाकिस्तान का है, और नंबर फोर्थ पे कौन सा है, बलूचिस्तान। नंबर वन है हमारे पास पंजाब है, फिर सिंध है, फिर केपीके है और उसके बाद बलूचिस्तान है। पेशावर इज़ इट्स कैपिटल सिटी, इसका कैपिटल सिटी पेशावर है। द पीपल स्पीक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पश्तो, हज़ारा, चित्राली, हिंदको एंड कोहिस्तानी। इट हैज़ डेंस अल्पाइन एंड कॉनिफ्रस फॉरेस्ट। बलूचिस्तान की तरह यहाँ पर भी अल्पाइन और कॉनिफ्रस फॉरेस्ट मौजूद हैं, जंगलात मौजूद हैं। फ्रूट्स सच एज एप्पल एंड एप्रिकॉट्स एंड नट्स एंड सीड्स सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स ग्रो हेयर। यहाँ पे बहुत से जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपके उनके वो भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है, लगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हैज़ मैनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज टाउन ऑफ नारान, द वैलीज ऑफ कागान एंड कलाम, शानदर पास एंड द सकी रिजॉर्ट ऑफ मालम जब्बा। यहाँ पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं शुमाली इलाका जात में इधर नारान कागान स्वात में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सैर व सहात के लिए आते हैं, ठीक है। ये स्नोई एरिया है हमारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इट हैज़ अ नेचुरल वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मार्बल एंड प्रीशियस स्टोन्स। यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें मार्बल जो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं घरों में वो है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कीमती पत्थर वगैरह हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इट हैज़ वेरी लिटल एग्रीकल्चर लैंड बट मेज़, मिलेट, बारले, राइस, शुगर केन एंड टोबैको आर ग्रोन हेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फसलें यहाँ पे भी उगाई जाती हैं। द ट्रेडिशनल क्यूसाइन इज़ चपली कबाब, जो इनका ट्रेडिशनल फूड है वो चपली कबाब है। हटक डांस एंड अटन आर द ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्रेडिशनल डांस है वो हटक है। द श्राइन्स ऑफ रहमान बाबा एंड हज़रत ख्वाजा काका साहिब आर इन दिस प्रोविंस, ठीक है, कि इनके जो श्राइन्स हैं, मकबरे हैं, वो यहाँ पर मज़ार मौजूद हैं। द ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज़ मखा आर्चरी, द पेशावरी चप्पल एंड द पकल कैप आर डिस्टिंग्विश आइटम्स ऑफ प्रोविंसेस ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, ठीक है। आपने देखा होगा पठानों की एक कैप होती है, इसके अलावा जो पेशावरी चप्पल होते हैं वो यहाँ के इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग में आते हैं। ये आप इस इधर भी आप देख सकते हैं कि आपको जो पेशावर केपीके है सॉरी उसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो दिखाई गई हैं। ये थे हमारे प्रोविंसेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज या इसका जो वर्क पेज है वो करेंगे। अगर आपको इनमें कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।